बी ए कर लो बी कर लो बी कर लो एम कर लो जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि आपके पास कोई स्किल नहीं है लेकिन जब आप कोई डिप्लोमा करते हैं तो आपके पास एक स्किल होता है वो चाहे आई, आई हो चाहे पॉलिटेक्निकल हो चाहे कोई कंप्यूटर डिप्लोमा हो चाहे कोई लैंग्वेज डिप्लोमा हो या कोई ऑनलाइन डिप्लोमा हो उन डिप्लोमा आपके पास एक स्किल होता है जिसके बाद आपके जॉब मिलने के चांस सबसे ज्यादा हो जाते हैं हाई स्टूडेंट्स ऑल कैसे हो आप स्वागत है प्लीज चैनल अकाउंटिंग गुरु में जैसे कि आपको बताया कि एग्जाम फिनिश हो चुके हैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के उसके बाद एक क्वेरी आती है कि सर करियर कैसे बनाए क्या करना चाहिए तो आज मैं आपको डिप्लोमा करने के छह ऐसे फायदे बताने वाला हूं जिसे आप जानकर वाकई में ही चौक जाओगे जी हाँ दोस्तों आज की डेट में सिनेरियो बदल चुका है पहले हम बात करते थे डिग्री की कि हाँ या यार डिग्री जरूरी है ट्वेल्थ के बाद बी कॉम बी एस सी बी ए जरूरी है और उसके बाद मास्टर डिग्री जैसे एम कॉम एम बी -ए, एम एस सी या फिर और कुछ एम ए ये सब जरूरी है लेकिन आज का जो सिनेरियो बदल चुका है आज कंपनीज आपकी डिग्री से आपको हायर नहीं करती आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस से आपको हायर करती है रतन टाटा सर ने तो कहा भी है कि भाई उनकी कंपनी में चाहे टेन पास आउट हो अगर उसे हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से टेक्निकल नॉलेज है तो हम उसको रिक्रूट करेंगे और ये बात सबसे बढ़िया मुझे लगी तो कुल मिला के आज की डेट के इस सिनेरियो को समझते हुए आज डिप्लोमा करने के इतने सारे फायदे हो चुके हैं कि आप जानकर आपका भी मन करेगा कि मैं कोई डिप्लोमा कर लूं जिन्हें नहीं पता है डिप्लोमा होता क्या है तो जो तीन तरह के कोर्सेज होते हैं एक होता है सर्टिफिकेट कोर्सेज जो एक महीने दो महीने तीन महीने का होता है जैसे टैली सीख लिया या कुछ और सीख लिया एक होता है डिप्लोमा जो जिसकी ड्यूरेशन एक साल या दो साल होती है इसमें आपको डिग्री तो मिलती है डिग्री का मतलब सर्टिफिकेट तो मिलता है प्लस टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे ज्यादा दी जाती है थोरटिकल नॉलेज कम दी जाती है सेम इससे अब होता है डिग्री डिग्री में क्या होता है कि डिप्लोमा वाली चीजें तो होती है थ्योरी ज्यादा होती है जबकि डिप्लोमा में थ्योरी नहीं होती सीधा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं बी फार्मा और डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी दोनों चीजें सेम लगेंगी आपको डिप्लोमा में सीधा टारगेट पे काम किया जाता है रिक्वायरमेंट्स पे काम किया जाता है और अगर बी फार्मा की बात करें वहां थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है मैं बात करूंगा एम की

चलो शुरू करते हैं आज मैं आपको जो छह फायदे बताने वाला हूं एक एक चीज को ध्यान से समझना आप अगर डिसीजन लेना चाहते हो कि आफ्टर ट्वेल्थ में क्या करूं आफ्टर बीकॉम आफ्टर बी एस सी में क्या करूं तो आज आप डिसीजन ले लोगे यस आज मैं किसी पर्टिकुलर डिप्लोमा की बात नहीं करूंगा कोई भी डिप्लोमा कोर्स हो सबसे पहली चीज मैं आपको यह कहना चाहूंगा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि डिप्लोमा वही अच्छा जो किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया जाए अगर आप सोचो कि आप किसी गली मोहल्ले में खुले हुए इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा कर लोगे तो आपका करियर नहीं बनेगा रेपोटेटिव यूनिवर्सिटी या ऑटोनोमस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा करेंगे तो ये सारे फायदे आपको मिलेंगे ये चीज पहले समझ लीजिए सबसे पहला फायदा है दोस्तों जिसकी हम बात करेंगे दैट इज जॉब ओरिएंटेड अभी मैंने आपको बताया हम कोई डिग्री कर लेते हैं मैं एग्जाम्पल दू आपको बी कर लो बी कर लो बी कर लो एम कर लो जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि आपके पास कोई स्किल नहीं है लेकिन जब आप कोई डिप्लोमा करते हैं तो आपके पास एक स्किल होता है वो चाहे आई टी हो चाहे पॉलिटेक्निकल हो चाहे कोई कंप्यूटर डिप्लोमा हो चाहे कोई लैंग्वेज डिप्लोमा हो या कोई ऑनलाइन डिप्लोमा हो उन डिप्लोमा आपके पास एक स्किल होता है जिसके बाद आपके जॉब मिलने के चांस सबसे ज्यादा हो जाते हैं प्लस जो आपकी कम सैलरी के लेकर ज्यादा लगे लेकिन जॉब मिलने के हंड्रेड चांस होते हैं बस आपने सही डायरेक्शन में जॉब को सर्च किया हो ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं चीपेस्ट एंड इंटरेस्टेड अब चीपेस्ट का मतलब क्या है आप कोई डिग्री कोर्स करने के लिए जाओगे तो वो लाखों में सैलरी सॉरी लाखों में फीस होती है ऐसी डिप्लोमा में बहुत सारे लोग के पास अफोर्ड नहीं कर पाते कुछ लोग तो बैंक से लोन ले लेते हैं यहाँ पे सिंपल सा फंडा क्या है कि आप दस हजार बीस हजार पच्चीस हजार में कोई डिप्लोमा कर लो उसमें आपका करियर जो है वो बन जाएगा सिंपल सी बात है ठीक है सबसे मेन बात यह है तो चीपेस्ट आपके लिए डिप्लोमा रहता है जिनके पास पैसों की थोड़ी दिक्कत है वो जल्दी जॉब पाना चाहते हैं करियर बनाना चाहते हैं वो कोई अपने इंटरेस्ट के बेस पर डिप्लोमा कर लेंगे देन आफ्टर दैट दे कैन गेट अ जॉब उसके अलावा इंटरेस्टेड जब हम कोई थ्योटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो हमें इंटरेस्ट नहीं आता लेकिन हम किसी चीज को जब प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें वो चीज अच्छी लगने लगती है सेम ऐसा ये डिप्लोमा के साथ आप अगर कोई डिप्लोमा कर रहे हो तो उसमें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है आपको जैसे उस जगह ले जाया जाता है जहां वो वर्क हो रहा है तो उस प्रैक्टिकलिटी से आप लोग सीख लेते हो और आप अपना इंटरेस्ट बना लेते हो और उस इंटरेस्ट से आपका फ्यूचर बनना तय है तो डिप्लोमा में एक ये भी चीज तो आती आपको शॉर्ट टर्म और इफेक्टिव शॉर्ट टर्म में आपको पता ही है भाई डिग्री तीन साल चार साल की होती है डिप्लोमा एक साल का होता है और बहुत हाई फाई डिप्लोमा तो दो साल का होता है उसे करने के बाद जॉब भी मिलनी है ज्यादा फर्क नहीं होता कुछ लोग के मन में ये भी होगा कि सर डिग्री करने के बाद सैलरी भी तो ज्यादा मिलती है ज्यादा फर्क नहीं होता आप जब काम करते रहोगे तो एक्सपीरियंस के बाद आप सैलरी भी ज्यादा ले लोगे ड्यूरेशन भी तो आपको कम लग रही है ना तो आप शॉर्ट टर्म में अफेक्टिव रहता है इसलिए होता है क्योंकि आप जब अच्छे सीख पाओगे तो जॉब मिलने के चांस बढ़ जाते हैं नो एंट्रेंस आज की डेट में कहीं भी एडिशन लेने के लिए चले जाओ डिप्लोमा में अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन बेसिस पे आपको अटेम्प आपको अलाउ कर देंगे ऐसा क्यों है चलो बताता हूँ ए आई सी टी ई ऑल इंडिया सेंटर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी शिक्षा मंत्रालय का एक संगठन है जो टेक्निकल कोर्सेज के लिए बनाया गया है उसके अंडर में आते हैं सारे डिप्लोमा ठीक है यहाँ तक तो बी टेक कॉलेज वगैरह भी उसके अंडर में आते हैं ठीक है तो डिप्लोमा जब उसके अंडर में आते हैं तो वहां से डायरेक्ट जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट है बहुत सारे वहां से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और आज इंडिया में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं जो फैसिलिटीज देते हैं टेक्निकलिटी की सिखाते हैं अब बच्चे ज्यादा इंस्पायर हों इसके लिए उन्होंने ज़्यादा कुछ एंट्रेंस वेंट्रेस नहीं रखे हैं बहुत ही कम कॉलेज इंडिया में जो डिप्लोमा कराने के लिए एंट्रेंस मतलब अलाउ करते हैं अदरवाइज एक मिनिमम परसेंटेज बेसिस जैसे फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट पर आपका एडमिशन हो जाता है तो नो एंट्रेंस आपके लिए है बट ये इसके भी एक्सेप्शनल है मतलब कुछ जगह पर है कुछ पर नहीं प्लेसमेंट्स आपको प्लेसमेंट्स के चांस ज्यादा मिलते हैं वो भी कैंपस प्लेसमेंट ये पूरा लिखना मैं भूल गया क्योंकि अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हो जैसे सिम्बोसिस हो गया या और भी इंस्टीट्यूट है अगर वहां से आप कोई कोर्स करते हो तो वो आपको उनके कॉन्टेक्ट होते हैं कंपनीज में रीजन बताता हूँ क्यों जैसे आप किसी कंपनी से मान लीजिए कि आप लॉजिस्टिक का डिप्लोमा कर रहे हो लॉजिस्टिक होता है माल जो पैकिंग होकर जाता है या माल जो आता है है ना उसके उसके ऊपर काम करता है कंपनी ने आपको ट्रेनिंग देने के लिए कुछ कंपनी के पास भेजा दो महीने के लिए एक महीने के लिए तो उनके कॉन्टैक्ट हो जाते हैं आप डिप्लोमा करते हो, तो आपको के कम होती है और टेक्निकल नॉलेज क्योंकि आप प्रैक्टिकल करते हो और इससे आपका फायदा होगा और आपके करियर बनने के चांस सबसे ज्यादा होंगे दिया दोस्तों ये है सारे फायदे डिप्लोमा करने के क्या अब भी आप चाहते हो कि कोई थ्योरिकल कोर्स करें

और उससे रिलेटेड डिप्लोमा सर्च करें हमारी ये प्लेलिस्ट बनी हुई है डिप्लोमा की चैनल पर जाके देख सकते हैं और आपको किसी डिप्लोमा के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और उसके बारे में कोई भी जानकारी के लिए मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो हैंडल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा थैंक यू वेरी मच